चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक है आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होनी है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी, जनता से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। 11 बजे मंत्रालय में अहम बैठक होने जा रही है, डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा। वहीं जनता से जुड़े हुए ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिलने के भी आसार हैं। तो लगातार बीजेपी सक्रिय है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, और 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी इस कैबिनेट की बैठक में। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें जनता से जुड़े जितने भी प्रस्ताव हैं उन पर कहीं ना कहीं मुहर आज लग सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के। अनुराग, कैबिनेट की बैठक, कौन कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव, जनता से जुड़े हुए कौन कौन से अहम मुद्दे? आज मोहन कैबिनेट की बैठक है, क्योंकि विधानसभा सत्र शुरू होना है और विधानसभा सत्र के ठीक पहले चूंकि ये बैठक है तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है ये बजट सत्र है। अनुपूरक बजट का जो मसौदा है उसको कैबिनेट मंजूरी देगी ताकि इसको विधानसभा में पेश किया जाए। दूसरी अगर हम बात करें इस पूरे बैठक के मुद्दों की बात की तो निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक बहुत महत्वपूर्ण ये विधेयक है जो विधानसभा में पेश किया जाना है, लेकिन उसको पहले कैबिनेट मंजूर करेगा। इस तरह से जो तीन विधेयक ऐसे हैं जो पहले मंजूर हुए थे लेकिन बाद में पारित होने के बाद भी कैबिनेट मंजूर नहीं कर पाई, उनको आज मंजूरी मिलेगी। तो खासतौर पर जो विधानसभा सत्र से जुड़े मुद्दे हैं, प्रस्ताव है, उनको लेके जो है आज की कैबिनेट बैठक है और सबसे महत्वपूर्ण हुआ जो बजट पेश किया जाना है उसको मंजूरी मिलनी है। जी, तो बजट की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने बताया कि बजट को लेकर जो चर्चाएं हो सकती है, तो बजट की अगर हम बात करें तो इस बार मध्य प्रदेश में बजट में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश का जो बजट है, हमने देखा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये केंद्र से उम्मीद की जा रही थी कि बड़ा लोक लुभावन बजट आएगा, लेकिन नहीं आया, नहीं हुआ। पर मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने विधानसभा चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र में बहुत सारी बड़ी बातें कही थी, जो घोषणाएं की थी, उनको इस बजट में शामिल किया जाना है और इस बजट में जब शामिल किया जाएगा तो निश्चित रूप से फंडिंग की आवश्यकता होगी। तो फंडिंग असेसमेंट किस तरह का होने वाला है, इन सब पर जो है निश्चित रूप से चर्चा होगी और लोकसभा के पहले विधानसभा के वादों को पूरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लिए कहीं ना कहीं जो है वोटर्स में विश्वास जगाने की कोशिश करेगी। तो बजट उसी के इर्द गिर्द नजर आने वाला है। बिल्कुल, तो बजट उसी के इर्द गिर्द नजर आएगा, देखना होगा क्या कुछ होता है, कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव है, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए।